हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने धनिया जीरा पाउडर पीसा है और ये दरदरा मसाला बनाया है। तो देखिए, धनिया जीरा पाउडर पीसने के लिए 1 किलो धनिया के सामने 200 ग्राम जीरा डाले तो बढ़िया सा धनिया जीरा पाउडर रेडी होता है। तो मैंने इस तरह से ये धनिया और जीरा को मीडियम आंच पे भून लिया है और इसको टोटल ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसको पीस के रख लेंगे। तो मैं हमेशा धनिया जीरा पाउडर घर पे ही बनाती हूँ। और ये देखिए, दरदरा मसाला बनाने के लिए 2 कटोरी धनिया, 1 कटोरी सौंफ का पाउडर, सौंफ या वरियाड़ी, और आधी कटोरी जीरा। और इसके ये तीनों चीज़ें पहले मैंने मीडियम आंच पे भून ली है 3-4-5 मिनट। और इसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून काली मिर्च डाली है और 5-6 साबुत ये मिर्ची डाल दी है गैस बंद करने के बाद। और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून कलौंजी या करायता या मंगरेल जो बोलते हैं वो डाल दिया है गैस बंद करने के बाद, ये सौंफ, धनिया और जीरा भूनने के बाद। और इस तरह से तो ये मंगरेल, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च तो जो कढ़ाई के अंदर इतनी गर्मी है उसी में हो जाएगा, नहीं तो ये कलौंजी जल जाती है। तो इस तरह से ये देखिए, ये मसाले को, ये साबुत धनिया जीरा ये सब मैंने भून लिया है, इसको टोटली ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, अपना बढ़िया सा ये दरदरा पीसने वाला मसाला तैयार हो गया है ठंडा होके। और ये मसाला आप अपने आलू की सूखी भाजी या जो सब्जी होती है, अरवी की सूखी सब्जी बनाए, या कोई भी जो रूट वेजिटेबल्स होती है, सूरन है या कचालू है, तो उसके अंदर अपने जब बॉईल करके या किसी भी तरह से आप सब्जी बनाते हैं तो लास्ट में ये मसाला डाल दे, दरदरा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और एकदम अपने चाट फॉर्म जैसा तैयार हो जाता है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं आलू और वगैरह में डाल के। तो ये बढ़िया सा अपना इस तरह से इसका बनाएंगे दरदरा मसाला। और ये देखिए, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है और ये अभी इसको टोटली ठंडा होने देंगे। तो ये अपना बढ़िया सा दरदरा मसाला बनेगा और इसके अंदर जो सूखी लाल मिर्च डालेंगे तो इससे एक दरदरा पीसेंगे तो ये चिली फ्लेक्स जैसा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ये अपना धनिया जीरा पाउडर है, तो मैं हमेशा ये धनिया जीरा पाउडर और ये दरदरा मसाला पीस के रख लेती हूँ। और ये आप भरवा सब्जी में भी दरदरा मसाला डालोगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ये इतना मसाला मैं 1-आध महीने चले उतना पीसती हूँ। ये धनिया जीरा भी हर महीने में, मतलब महीना चले उतना पीस लेती हूँ, क्योंकि धनिया जीरा पाउडर मेरे को घर का ही पसंद है। और ये देखिए, मिक्सचर में पहले तो अपने धनिया जीरा पाउडर पीस लेंगे और ये पीसने के बाद इसको आटे की जो चलनी होती है उससे छान लेंगे। और ये छानने के बाद इसको साफ सुथरी सूखी बॉटल में भर लेंगे। तो ये देखिए, सारा धनिया जीरा पाउडर छान के रेडी कर लिया है और इसको अभी बढ़िया सी कांच की बोतल में भर लेंगे। आप कोई भी प्लास्टिक की जार, किसी में भी, साफ सूखी सुथरी होनी चाहिए। तो मैं हमेशा एक महीने का स्टॉक इस तरह से करती हूँ। और ये देखिए, अपना बढ़िया सा धनिया जीरा सौंफ काली मिर्च कलौंजी और सूखी लाल मिर्च, ये 5 चीज़ें हैं। तो ये देखिए बढ़िया सी इसको अपने अब डालेंगे मिक्सचर में और इसको पल्स मोड पे पीसेंगे ऑन ऑफ करते हुए। तो क्योंकि इसको दरदरा पीसना है, बारीक बिल्कुल ही नहीं करना है, तो 6-7 बार आप पल्स मोड पे इस तरह से बस पीसते जाएं। तो 6-7 बार के अंदर ही ये अपना बढ़िया सा दरदरा मसाला बन के हो जाएगा रेडी। तो ये देखिए, आपको जितना दरदरा चाहिए उस हिसाब से आप पीस सकते हैं। तो इसके अंदर काली मिर्च के भी टुकड़े थोड़े आएंगे तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए, मेरा दरदरा मसाला भी पीस के हो गया है रेडी और ये दोनों मसाले अब बढ़िया से हो गए हैं रेडी। तो इसको अपने जार में भर लेंगे। तो ये दरदरा मसाला पीसने के लिए मैंने कांच की बॉटल अच्छी तरह से धो के सुखा के रखी है और इसके अंदर अब अपने ये मसाला डाल लेंगे। तो जब भी आपको बस आलू फ्राई या अरवी कुछ भी खाने का मन करे, बस ऊपर डालिए, एकदम चटपटा सा बन के हो जाएगा रेडी। तो ये देखिए, कांच की बोतल में मैंने भर लिया है। और ये मसाला ऐसे तो 3-4 महीने खराब नहीं होता, पर मेरा ये इतना 15-20 दिन में ही खत्म हो जाता है। और ये देखिए, धनिया जीरा का पाउडर मैंने भरने के लिए कांच की बरनी को अच्छे से धो के पोंछ के धूप में सुखाई थी। और इसके अंदर अब अपने ये बढ़िया सा धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे। तो ये धनिया जीरा पाउडर बहुत ही हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और घर का बना हुआ है तो उसकी बात ही कुछ है और होती है। तो
तो ये देखिए अपना, और इसको अच्छे से एयर टाइट ढक्कर लगा लेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मेरे दोनों मसाले रेडी हो गए हैं, धनिया जीरा पाउडर और ये दरदरा पिसा हुआ पाउडर। तो बस एंजॉय करते हैं अपना बढ़िया सा मसाला ये पाउडर, और ये 1 महीने तक खराब नहीं होगा। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो माय फेसबुक पेज। थैंक यू।